हेलो दोस्तों, आज मैं खेल रहा हूँ ग्रेनी चैप्टर 3 और आज हम स्किप करने वाले हैं ट्रेन स्किप। तो आज मैं सुपरमैन बनके खेलने वाला हूँ इस गेम को। तो अभी ग्रैंडपा मुझे यहाँ पे बंद कर दिया गया है। चलो इसको खोलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए लेता रहूँगा। फिलहाल के लिए इसको मैं खोल चुका हूँ। मैं चलता हूँ नीचे बेसमेंट की तरफ जहाँ पर अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। ट्रेन अपना रेड कलर का है, उसको लेकर निकलना पड़ेगा। पर अक्सर ये बात हुआ है कि ट्रेन के अंदर इसमें एक सेकंड ये रोबोट है। ट्रेन के अंदर मुझे आइटम बताना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ना एक्सीलेटर है, ना ट्रेन की है, ना ट्रेन के अंदर करंट है। ये सब मुझे ट्रेन के अंदर देना पड़ेगा, उसके बाद हम ट्रेन लेके जा सकते हैं। तो इस सब देने के लिए मुझे यहाँ से सारा सामान कलेक्ट करके ढूंढना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर मुझे वेपन की मिल चुका है और इस घर के अंदर एक ग्रैंडपा बूढ़ा भी रहता है जो कि वो मुझे इस सब करने से रोकेगा। तो सुपरमैन बना हुआ तो ज़्यादा रोकेगा नहीं। बाकी हम सारा सामान इस जितना ट्रेन में सारा सामान लगने वाला है ना, ये मतलब कि कहीं पे हाइड जगह छुपा हुआ है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के ला के सबको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा और ट्रेन के अंदर लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ से ट्रेन स्किप कर सकते हैं। तो अभी मुझे चलना चाहिए ऊपर की तरफ क्योंकि अभी मुझे वेपन की मिल चुका है, इससे हम ग्रैंडपा को मार सकते हैं। तो चलो पहले ऊपर चलते हैं। और अभी तो बेसमेंट था तो ये दरवाज़ा भाई खुला था, इसका मतलब ग्रैंडपा आया होगा अभी। तो अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो एक सेकेंड, यहाँ पर ड्रॉवर चेक करते हैं। ये रहा ड्रॉवर, नहीं ये भाई कुछ लकड़ी बॉक्स है, ड्रॉवर जैसा है। तो एक काम करता हूँ, आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या है। पहले चलता हूँ ग्रैंडपा के कमरे में, जहाँ पर चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसके कमरे में हमको मिलेगा क्रोबार, सिंक सूट जो बोलते हैं, यहाँ पर इसको खोलेंगे वही मिलेगा। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। हाँ वही मिला भाई, ठीक है। और यहाँ पर ग्रैंडपा बुढ़ा सोता है, फिलहाल के लिए इसको खोलते हैं ड्रॉवर को और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। यह खाली पड़ा है, ऐसी ही जगह पे मुझे कुछ ना कुछ आइटम देखने को मिलेगा ऐसे इसी के अंदर। जैसे हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक लीवर मिल गया जो कि ट्रेन के अंदर करंट फ्लो होता है ना, वो तो मिल चुका है। इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ यानी फेंक देता हूँ, बाद में इसको ले जाएंगे। और आइटम ढूंढना पड़ेगा, ये सिंक सूट है। तो अभी चलता हूँ यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, उससे उसको लिए मुझे शॉटगन चाहिए। तो पहले काम करता हूँ यहाँ चेक करता हूँ क्या है। तो ये ड्रॉवर भी खाली पड़ा है। और चलो बेसमेंट में चलते हैं क्योंकि वहाँ पे बेसमेंट में एक रोबोट है जिसको हमें टिकट देना पड़ेगा। उस टिकट को नहीं देंगे रोबोट को, बाकी उसको हम मार के उसके अंदर जो एलिवेटर चिप रहेगा उसको हम ले लेंगे। बाकी एक कांच की खिड़की है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। चलो चलते हैं, मैं तोड़ता हूँ पहले, तो वहाँ पर साइड में है। तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, इसको तोड़ता हूँ। ये रहा एक कहाँ गया है, ये अब चुका बारी है इसको भी तोड़ने के लिए। इसको भी तोड़ते हैं ये रोबोट को, टूट गया नहीं तो उसको टिकट देना पड़ेगा। ये टिकट इसको मैं दूंगा तब ये जाकर ट्रेन गेट खोलेगा। मैं इसको मार देता हूँ और ये डोर एलिवेटर जो है ना इसको मैं उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पर लगा दूंगा। अब ये ट्रेन का गेट खुल चुका है। अब फिलहाल के लिए मैं ट्रेन के अंदर जो भी आइटम लगने वाला है मैं उसको अंदर जाके लगा सकता हूँ। बाकी इसमें आग जल रही थी, बुत गया। और अभी इसके अंदर घुसते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। तो अभी इसको खोलते हैं, एक सेकंड भाई। यहाँ पर मुझे शील्ड की देखने को मिल गया है, इस शील्ड की को उठा के मैं यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा खिड़की से। और यहाँ पर देखता हूँ क्या है, क्रूबार। चलो इस क्रूबार से हम लकड़ी तोड़ेंगे यानी दो बॉक्स होगा, एक यहाँ पे एक ऊपर होगा। तो अभी इसको तोड़ते हैं, देखते हैं कुछ नहीं। इसको पहले क्रूबार को यहीं फेंक देते हैं, बाद में इसको ले जाएंगे। पहले तो चाहिए मुझे यहाँ पे शील्ड की, इससे छोटा सा हाउस है उसमें लगने वाला है और उसी के अंदर देखते हैं कुछ आइटम देखने को मिलेगा। अब कोई सा भी आइटम रहेगा, ठीक है। चलो चलते हैं यहाँ से और चलेंगे बाहर हम। पहले बाहर की तरफ एक छोटा सा हाउस है, ये तो बड़ा सा हाउस है, इसके साइड में एक छोटा सा हाउस है। तो उसकी चाबी मुझे की मिल चुकी है, चलो उसको खोलेंगे और देखते हैं उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा। और ये ग्रेनी का, एक सेकंड यहाँ पे खोलते हैं। और यहाँ पे भाई मुझे सेफ की देखने को मिल चुका है, इस गेट को खोलते हैं। और ये ग्रेनी का छोटा सा किचन है, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा किचन है। चलो इसको दरवाजे खोलता हूँ क्योंकि इस दरवाज़ा लॉक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी गेम प्ले वीडियो आपके लिए देता रहूँगा। तो अभी मैं इसको खोल चुका हूँ और चलता हूँ आगे की तरफ। तो वो सामने दरवाज़ा है, उसको खोलना पड़ेगा और उसको मुझे यहाँ से इस लॉक को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या रहेगा। तो भाई यहाँ से इसके अंदर टैली है जो कि उठाते मान ग्रैंडपा कहीं भी वो मेरे पास आ जाता है। तो अभी इसको नहीं लेता है, पहले यहाँ पीछे देखते हैं, प्लैंक भी रखा रहता है ना, तो हाँ ये रखा है, इसको उठा लेते हैं। और अभी इसको टैली को यहीं फेंक देते हैं। तो अभी इस प्लैंक को मैं इसलिए उठाया हूँ क्योंकि जहाँ पर मुझे ऊपर जाना है ना वहाँ पर रूफ जो है ना टूटा हुआ, छत टूटा हुआ है, तो वहाँ पर जाके इसको मुझे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, खाली है, मैं यहाँ से निकलता हूँ तो इसको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ और वहाँ पे लगाता हूँ। बाकी एलिवेटर जो है ना यहाँ पे मैं फेंका हूँ, इलेक्ट्रिक लीवर जो है फेंका हूँ। बाकी ग्रैंडपा कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा है, तो ठीक है मुझे ऊपर चलना पड़ेगा। तो अभी कौवा ऊपर, एक कौवा भी है उसको मारेंगे। ग्रैंडपा के हाथ में शॉटगन है तो मैं वो क्रॉस बोस मार के ग्रैंडपा का शॉटगन छीन लूँगा, बाकी उस कौवा को फिर मैं मारूँगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लगा देता हूँ और अभी मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पाने के बाद एक सामने दरवाज़ा, उसको चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे इसको खोलते हैं और भाई इसके अंदर कोकोनट देखने को मिला है। और ड्रॉवर में क्या है देखते हैं, कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। और अभी यहाँ से चलता हूँ,
इस कोकोनट को काटने पे मुझे कॉइंस देखने को मिलेगा, इसके अंदर कॉइंस अक्सर मिलता है और इसको यहाँ ड्रॉप करता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो काटेंगे नहीं तो नहीं। अभी यहाँ पे आके चेक करते हैं, देखते क्या मिले। भाई मुझे ट्रेन एक्सीलेटर मिल चुका है, ये रहा ट्रेन एक्सीलेटर। अब बारी है बस मुझे चाहिए ट्रेन की। अब ट्रेन की कहाँ पे मिलेगा मुझे अभी नहीं पता, फिर भी इसको मैं लेके चल रहा हूँ। और अभी काम करता हूँ, चलो ऊपर चलता हूँ ये सीढ़ी से, क्योंकि कौवे को मारना पड़ेगा ना। देखते हैं कौवा तो नहीं लिया, अगर कौवा नहीं लेगा तो छोड़ देंगे, नहीं तो अगर लिया होगा तो बाद में आएंगे वो शॉर्ट गन लेके फिर कौवे को मारेंगे। तो अभी यहाँ पे देख चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो अभी एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ और यहाँ पे कौवा बैठा मतलब खड़ा है, बैठा है यानी घोंसले में थी, और ये ट्रेन की लेके बैठा है। इसको तो मारूंगा, पहले काम करता हूँ ये ट्रेन एक्सीलेटर। और मेरे पास इलेक्ट्रिक लीवर है, जो मिला उसको हम लेके चलते हैं यहाँ से निकलने के लिए, यानी इन दोनों आइटम को ले जा रहा हूँ लगाने के लिए ट्रेन के अंदर, ठीक है। और चलो इसको पहले चलता हूँ ट्रेन के अंदर लगाने के लिए, जिसको मुझे लगाना पड़ेगा, इससे ट्रेन का स्पीड बढ़ता है। चलो उसको लगाता हूँ, ठीक है। तो और उसके बाद मुझे कौवा, वो ग्रैंडपा अभी तक मुझे दिखा नहीं भाई। ग्रैंडपा अगर मिल जाए तो उसको मारना पड़ेगा, उसका शॉटगन लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉटगन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शॉटगन के हम कौवा को मार नहीं सकते, उसको जादू एक तरह से है। तो उसको यहाँ पर लगा देते हैं, और चलो इसको लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद मैं यहाँ चलता हूँ। अब चाहिए जो इलेक्ट्रिक लीवर जो मैंने फेंका था ना सीढ़ी के पास, उसको भी जाके ले आना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको उठा लेता हूँ, इसको ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। सिंग सूट है, इसको ले लेता हूँ, मैं इसलिए लिया हूँ ताकि ग्रेन पर मिले उसको मार के और बाकी उसका शॉटगन छीन लेता हूँ। तो इसको ले लिया, अच्छा काम किया हूँ, जो कि नीचे फेंका था इसका कोई ज़रूरत नहीं है अब नीचे, इसलिए मैं इसको ऊपर लेके चल रहा हूँ। और ग्रेन पर मिल गया तो बताऊँगा उसको। और इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ सीढ़ी के पास फेंक देता हूँ और ये इलेक्ट्रिक लीवर उठा लेता हूँ। चलो अब इसको लगाना पड़ेगा, इसको ट्रेन के अंदर नहीं लगाना पड़ेगा, ट्रेन के अंदर तो की लगाना पड़ेगा, बाकी इसको ट्रेन के बाहर लगाना पड़ेगा जहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे इसको साइड में लगाना पड़ेगा, मैं चल रहा हूँ दिखाने के लिए। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तीन लीवर है, तीनों लीवर को उठाना पड़ेगा, जबकि उसमें से एक लीवर नहीं है, दो में तो है एक में नहीं है, तो ये एक मेरे पास है तो इसको चल रहा हूँ लगाने के लिए। तो इस बॉक्स को हटाता हूँ और इसको यहाँ फिर जॉइंट कर देता हूँ, उसके बाद इस तीनों लीवर को ऊपर उठा देता हूँ। चिंगारी फेंक रहा है यानी इसके अंदर करंट काफ़ी स्पीड से होगा। तो अभी मैं काम करता हूँ, अब चाहिए मुझे क्या, हाँ ट्रेन की। ट्रेन की मैंने देखा था कौवे के पास घोंसले में, तो उसको लेना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, कुरबा उठा लेता हूँ, पर कुरबा की ज़रूरत क्या पड़ेगी, अब तो मेरे को ट्रेन की मिल चुका है। चलो चलता हूँ ऊपर की तरफ, और मैं अगर वो ग्रैंडपा अभी तक दिखा नहीं भाई, अगर ग्रैंडपा दिख जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, तभी हम ले पाएंगे वो ट्रेन की, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कौवा काफ़ी ख़तरनाक है। और अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पे देखता हूँ ग्रैंडपा को, थोड़ा ऊपर तो कुछ नहीं है, बाकी यहाँ चलता हूँ ऊपर की तरफ, देखता हूँ शायद ऊपर होगा, अगर नहीं होगा तो मैं पियानो जाके बजाऊँगा, देखते हैं पियानो बजाने से ग्रैंडपा आएगा कि नहीं। बाकी इस कमरे में चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और अभी मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस पियानो को बजाता हूँ, देखता हूँ भाई, मैं पियानो बजा रहा हूँ और ग्रैंडपा ये हाजिर हो चुका है। चलो अच्छी बात है, जो कि मिल चुका है, इसके टकली में मैंने मारा और ये शॉटगन है मेरे हाथ में। अब बारी है चलो उस कौवे को चिपकाने की, जो कि काफ़ी देर से मेरे को चोंच मारा था, हाँ एक बार चोंच मारा था मेरे को, तो अभी मैं उसको मारूंगा अपनी ये शॉटगन की एक गोली मारूंगा, तो उसकी पंखुड़ी जो है ना उड़ के इधर उधर हो जाएगा। काला कौवा है ग्रैंडपा, अक्सर जो कौवा आसमान में उड़ता है उसको बुला के जिया लेता है, ठीक है, पकड़ के अपना रखवाली करता है का। तो ये रहा, अब इसको मारेंगे, ठीक है। ये भाई कौवा छोटा से कारनामे बहुत बड़ा करता है, बाकी हम यहाँ से कूद जाते हैं, मुझे कुछ होने वाला है ही नहीं। तो अब बारी है ट्रेन की को लगा के यहाँ से निकलने की। तो फिलहाल के लिए अभी मैं यहाँ से ट्रेन स्किप कर लूँगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो भाई अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जरूर से सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। तो एक काम करता हूँ, चलो उसको जल्दी से लगाता हूँ, क्योंकि अभी बारी है जल्दी से उसको लगा के यहाँ से निकलने के लिए। जितना आइटम मैंने बोला था ट्रेन का, जितना आइटम लगने वाला है सब मैं ला के लगा दिया हूँ। ये लास्ट ही हुई है, और ट्रेन का गेट बंद कर देता हूँ, ताकि बिना ट्रेन के गेट बंद किए हो चलेगा नहीं। तो अभी इसको भी बंद कर देता हूँ, देखिए अब बारी है ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं की लगाता हूँ और एक्सीलेटर हेंचता हूँ, अब ट्रेन हो जाएगा स्टार्ट अपना। तो ट्रेन को थोड़ा रिवर्स करता हूँ ताकि अपनी ट्रेन स्पीड में और सामने जो गेट है उसको तोड़ के यहाँ से निकल जाए। तो सामने वो रहा गेट और उसको यहाँ से निकल जाती है अपनी ट्रेन, और मैं स्किप को स्किप करता हूँ। सामने ग्रैंडपा और सिलेंडर में दोनों लोग हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी गेम वीडियो आप लेते रहूँगा। और भाई ये दोनों वीडियो जाकर देख लीजिए, गेम ख़त्म।